नमस्कार। गुजरात में अब तक की कोविड 19 की जो लेटेस्ट परिस्थिति है, कुल हमारे यहाँ 44 केस पॉजिटिव निकले हैं। सद्भाग्य से कल के बाद 11 नमूने सैंपल्स का परीक्षण किया गया था, परंतु उसमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला। तो इस तरह अहमदाबाद में 15, सूरत में 7, राजकोट में 5, वडोदरा में 8, गांधीनगर में 7, भावनगर 1 और कच्छ जिले में 1, ऐसे कुल मिला के 44 केस हमारे पॉजिटिव गुजरात राज्य में हैं। और जैसे कल सवेरे तक का एक संख्या अंक दिया गया था, 3 मृत्यु कोविड से कनेक्टेड 3 मृत्यु हमारे यहाँ हो चुके हैं। उसके अलावा आज खास ये कहना चाहेंगे कि हमारा एक ऐप जो सूरत में क्वारंटाइन, जो जितने भी लोगों को होम क्वारंटाइन या गवर्नमेंट क्वारंटाइन या प्राइवेट क्वारंटाइन में रखा गया है, उनके लिए एक हमने एक कोविड 19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन का एक उसकी व्यवस्था सुविधा उपलब्ध की है। इसको सूरत के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था, वहाँ के महानगर पालिका में। इसकी सफलता को देखते हुए अब अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, राजकोट में भी इसका आज पायलट हो रहा है। तो हम अनुरोध करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि जितने भी क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति हैं, वो सब इस ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि जियो फेंसिंग सेल्फी, उससे आपका लोकेशन और आपकी मूवमेंट कहाँ हो रही है वो हम मैप भी कर सकेंगे, और इससे जनता को भी सुविधा रहेगी। इसी तरह से जितने भी डॉक्टर्स कोविड 19 के लक्षण वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उन सब के लिए हमने डॉक्टर टेको ऐप एक बनाया है, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसमें कोविड 19 की जो डिटेल्स हैं, क्योंकि अभी कंपलसरी है कि हर एक डॉक्टर के यहाँ जैसे ये लक्षण वाले पेशेंट्स जब आते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि उनके यहाँ इस तरह के पेशेंट्स हैं। उस सुविधा के लिए हमने ये ऐप बनाया है और हम चाहेंगे कि सभी डॉक्टर्स, अभी तक 150 जितने डॉक्टर्स ने इसका लाभ लिया है, हम चाहेंगे कि सभी डॉक्टर्स जो इस टाइप की ट्रीटमेंट देते हैं इसका लाभ लें। उसी तरह से हमारी जो डेस्क मतलब जो पूरा डैशबोर्ड है जिस पर हम डेटा देते हैं, gujcovid19.gujarat.gov.in, वो भी अब इट इज़ अवेलेबल ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार इसका जो डेटा है उसे हम अपडेट करेंगे, यानी ताज़ा डेटा उसमें रखेंगे। और अनुरोध है आप सब यूज़ करें। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेंटिलेटर्स सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में हैं। और उसके अलावा जितने व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए हैं, 20,000 जितने लोग 14 दिवस के क्वारंटाइन में हैं, उसमें से जितने लोगों ने इसका भंग किया है, कोई उल्लंघन की है क्वारंटाइन के नियमों का, पालन नहीं किया है, इसमें हमने FIR पुलिस कार्यवाही भी शुरू की है। और 236 जितने व्यक्तियों के सामने FIR भी दाखिल किया है, सजा भी दी है और उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन में शिफ्ट भी किया है। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी बात, यह है महत्वपूर्ण बात, कि हमने घर घर जाके एक मुआयना सर्वे भी शुरू किया है। ये एक पहल गुजरात ने की है और इसको टेको ऐप के जरिए IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट के अनुसार कर रहे हैं। और इसमें आज तक 3,50,00,000 अबाउट 70,000 जितने, यानी कि 3,50,70,000 जितने व्यक्तियों का सर्वे, यानी गुजरात की आधी से ज़्यादा बस्ती आबादी की सर्वे हो चुकी है। और इसमें से हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिल रहे हैं, जैसे 37,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रैवल किया हो, इंटर स्टेट इंटरनेशनल ट्रैवल वाले लोगों का भी संख्या मिल रहा है, उसे भी हम प्लॉट कर रहे हैं, हीट मैप्स बना रहे हैं। और जिनके चेकिंग करते हुए कोई ना कोई इस बीमारी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी हमारे ध्यान पर 118 लोग आए हैं जिनका पूरा मेडिकल टीम देखरेख और ट्रीटमेंट दे रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास PPE यूनिट्स, किट्स, N95 मास्क, वो सब। और एक अगत्य की एक सूचना हम ये देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर, ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में तो कोविड 19 के टेस्टिंग की फैसिलिटी है ही,
पर उसके उपरांत भी दो लेबोरेटरीज यानी कि न्यूबर्ग सुप्रटेक लेबोरेटरी और यूनिपैथ लेबोरेटरी में भी कोविड 19 के टेस्टिंग का प्रावधान किया गया है। इसके प्रोटोकॉल भी, जैसे कोई डॉक्टर होंगे उनके यहाँ ऐसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जो इसके मापदंड है ICMR के, वैसे पेशेंट होंगे तो वो उस जिले के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करेंगे और वहां से उनको ये लैब में टेस्टिंग के लिए एक क्लियरेंस दिया जाएगा। ये एंटायर प्रोसेस भी हमने ऐप बेस्ड कर दिया है जिसकी भी जानकारी आपको ट्विटर हैंडल से दी जाएगी। तो इस तरह से आज फॉर्चुनेटली गुजरात में एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं है, पर हम चाहेंगे कि पूरी हमारे जनता लॉकडाउन का बिल्कुल नियमानुसार सख्ताई से पालन करेंगे और वैसे ही हम ये भी अनुरोध करेंगे और आग्रह करेंगे, आदेश करेंगे कि जितने भी लोग क्वारंटाइन में हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो भी इस क्वारंटाइन का भंग जरा भी न करें। इससे हम 21 दिन तक इस सावचेती को रखेंगे तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये केस का कोविड का जो है प्रकोप आगे न बढ़े। नमस्ते।